तो यार फैसलाबाद के अंदर मैंने जुगतों के बारे में तो सुना हुआ था कि जुगते फैसलाबाद की बड़ी मशहूर हैं, लेकिन यार इस दफ़ा फैसलाबाद के अंदर मैंने आके एक चीज़ देखी और वो यार ये है। तो सर ये मुझे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि इतना ये क्रेजी किस्म का आप क्या बनाने लगे हैं फैसलाबाद के अंदर। सर ये फैसलाबाद का क्रेजी तरीन मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गटवाला कमर्शियल हब। तो सर ये गटवाला बेसिकली है क्या, गटवाला का मतलब क्या होता है? ये गटवाला जिधर भी आप खड़े हुए इस चौक का नाम है गटवाला चौक। अच्छा अच्छा, मतलब जगह का नाम है ये? जी जगह का नाम है। हमारे जो ग्रुप चेयरमैन है आर्किटेक्ट शाहनवाज साहब, सही सही, वो इस शहर के जी एसेट है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्काईलाइन के प्रोजेक्ट बनाए हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जो इस शहर की सकाफत है वो डिजाइन में भी आपको नजर आए, बिजनेस में भी नजर आए। तो ये एक उनका एक और एक इनपुट है। क्या बात है सर। तो इसके अंदर आपने एक तो मुझे ये देखे कि ट्रेडिशनल टच भी काफी अच्छा है और उसके अलावा मतलब काफी मैसिव है ये, बाहर से मैं देख रहा था आते हुए, तो मेरे ख्याल से फैसलाबाद के अंदर कोई आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग नजर ही नहीं आती है। सर ये ऐसे ही है, ये तकरीबन 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है कमर्शियल और सारा कवर्ड है। कवर्ड एरिया इसका 32 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है। सर मैं भी आपको ये देख रहा था कि आज सुबह जब मैं आ रहा था इधर इवेंट के लिए, तो मतलब मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम हमारा इवेंट है जो कि इंडोर और इस तरह किया गया है, जो क्या कहते हैं ऑटो शो है हमारा। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे लिए ये चीज़ बड़ी आसानी थी कि कवरेज के अंदर ना हमें इधर नहीं था कि एक दो दो किलोमीटर दूर भाग के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा था कि एक ही इन्वायरमेंट के अंदर ना हमारे पास ये चीज़ अच्छी थी कि इधर गाड़ियाँ देखी नीचे गाड़ियाँ, लोगों के आने जाने में बहुत अच्छा था उनके लिए। अगर आपने कोई चीज़ देखनी हो तो इसके हवाले से मुझे बताएंगे यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह भी हुआ करेंगे आगे कभी? जी इंशाल्लाह यही प्लान है। आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा, आपने भी जैसा दोस्तों को बताया, एक्सपो सेंटर फैसलाबाद जनाब इस शहर को बड़ी जरूरत थी। हाँ ऐसे ही हम लोगों ने ये आज से 3 साल पहले सोचा, 2019 में हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू की और आज आप जैसे दोस्त और ब्रांड्स हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इस विजन में शामिल हो रहे हैं। एक्सपो सेंटर फैसलाबाद अब हर किस्म के इवेंट, एंटरटेनमेंट हो, इंडस्ट्रियल हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, ट्रेड शोज हो, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हमने यहाँ पर लेकर आना है। बाकी भी शहरों को पता लगे कि फैसलाबाद में भी जुगत के अलावा भी कोई कारोबार वास्ते भी कोई चीज़ें है। तू समझा? हाँ बिल्कुल ऐसी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यार इतना अच्छा लगा ना मुझे यहाँ पे आके, इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त था और फैसलाबादी जो लोग हैं सर उनका मिलने का तरीका बड़ा अच्छा है। ये नहीं होता कि आपको दूर से सलाम करें, डायरेक्ट सर हाथ में लाके गले मिलने को आ जाते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है, तुले। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे फैसलाबाद में आके। आप बताएं कि आपको ऐसा लगा पाकूज का शो यहाँ पे? जी मज़ा आ गया। आप लोग आखिरी आई थिंक 2019 में आए थे और आप लोगों ने डी ग्राउंड पार्क में किया था। बिल्कुल आप लोग यू मूव फर्स्ट टाइम वर्टिकल के अंदर। हमारे साथ तो अच्छा, बल्कि एक बॉस का मैं एक वो छोटा सा कमेंट भी डालूंगा, उमर भाई और आसिम भाई के साथ हंसी मजाक हो रही थी, हमने कहा कि जनाब हम ये ना कैपेसिटी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ। अब 8 एकड़ को आप मल्टीप्लाई करें 10 मंजिलों के साथ तो ये तो 80 एकड़ बन जाता है। हाँ। अब आप लोगों ने 4 फ्लोर हमारे लिए इसके ऊपर, ठीक है, बेसमेंट इंटर बेसमेंट ग्राउंड और अपर ग्राउंड पे इवेंट किया। हमने कहा ये नहीं, आपसे नहीं भरा जाएगा, गाड़ियां बंदे समेत नहीं भरा जाएगा आपसे। उमर भाई ने बोला लो जी शायद लगी फिर बॉस को ही डायरेक्टली, आर्किटेक्ट शाहनवाज साहब के साथ हो रही है, तो लो जी शायद लगी, ये कल रात की बात है। अब हम सारे कह रहे हैं कि नहीं होना उमर भाई, नहीं होना, इतनी बड़ी शायद ना लगाए, लेकिन आज आप लोगों ने तो कमाल कर दी भाई। मतलब ये मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो सर आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा और आपका जो सारा का सारा प्रोजेक्ट है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।